हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज मैं बना रही हूँ अभी सुबह का खाना। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ ग्वाल की फली। और ये मैंने ग्वाल की फली उबाल ली है और प्याज लहसुन काट लिए हैं इसको छोंकने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल के रख दिया है कढ़ाई को। अब मैं ये तैयार करूँगी। तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने लहसुन प्याज डाल दिए हैं और थोड़ा सा जीरा। तो ये ग्वाल की फली बहुत ही अच्छी लगती है और गांव में तो हमेशा मैं मक्के की रोटी से और छाछ के साथ ये खाती थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मक्के की रोटी के साथ। तो बस आज यही बना रही हूँ और अभी बजे हैं लगभग, आज तो 11:30-12 बज गए हैं क्योंकि आज संडे है, तो इस वजह से सब काम लेट हो रहा है। और सुबह की चाय वगैरह पी है, उसके बाद बच्चे बाहर खेलने चले गए थे तो इस वजह से फिर लेट हो गया। तो अभी जो ग्वाल की फली है उनको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी क्योंकि मैंने उबाल ली थी। तो दोस्तों, या तो मूली की भुजी हो, साग हो, या फिर ग्वाल की फली हो, कढ़ी हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ मुझे मक्के की रोटी बहुत पसंद है। और अगर वो चूल्हे पे बनी हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो कभी कभी मुझे गांव की बहुत याद आती है और मन करता है कि मैं गांव में ही रहूं, वहीं चली जाऊं, लेकिन क्या करें। अभी मैंने इसमें हींग डाल दी है और साथ में ही मैंने जो ग्वाल की फली निचोड़ ली थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे हम, जो भी हम यूज़ करते हैं, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, मिर्च, सब कुछ उसको अच्छे से फिर थोड़ी देर तक भून लेंगे। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और भूनने के बाद ये और भी ज़्यादा इसमें टेस्ट आ जाता है, बहुत ही स्वाद बनती है। दोस्तों, जब ठंड पड़ती है और चूल्हे पे खाना बनता है और पास बैठे रहते हैं और हल्की हल्की सी गर्माई आती रहती है, सीखते भी रहते हैं और साथ के साथ खाना भी खाते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। या फिर बनाते रहो तो भी चूल्हे पर अलग ही बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मेरी ग्वाल की फली जो है ये बन गई है, बिल्कुल तैयार है। अब मैं अपने बाकी का जो खाना, मतलब रोटी है, वो बनाने की तैयारी करूँगी। दोस्तों, आटा मेरा तैयार हो गया है। अभी मैं रोटियां बनाऊंगी और रोटियां बनाते बनाते ही बीच में मैं अपनी छाछ बना लूंगी। बिल्कुल देसी, एकदम सिंपल सा खाना हम खाते हैं तो बस वही हमारा सादा सा खाना रहता है। और अगर सब्जी ना भी हो तो चटनी से भी काम चल जाता है, चटनी बहुत ही हमें पसंद है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बीच में छाछ बना रही हूँ और ये भी मेरी लगभग तैयार हो ही गई है, खाना मेरा तैयार है अभी। और अभी कुछ दिन से यहाँ पर ठंड थोड़ा बढ़ गई है दोस्तों, और हमारे यहाँ पर कैसी ठंड है आप ज़रूर बताइए कमेंट्स करके इस टाइम पे। और वैसे मैंने सुना है कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है वहाँ पर, पता नहीं पहले कितनी जल्दी ठंड आ जाया करती थी, आजकल पता नहीं ठंडी नहीं होती है, क्या हो गया है। पहले हमारे यहाँ यूपी में तो काफ़ी ठंड रहती थी 3-4 महीने, अब तो वहाँ पे भी बहुत ही कम ठंड हो गई है, लगभग 1-आध महीने ही ठंड पड़ती है। तो आप बताइए किस किस के यहाँ पर कितनी ठंड है। मेरा खाना भी तैयार हो गया है, सिंपल सा, देखिए ग्वाल की फली, गर्मा गर्म रोटी और छाछ।
तो अभी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी का जो काम है वो करूँगी। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। गर्मा गर्म खाना पहले खा लेना चाहिए, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो मीरा यहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो रही थी, मैं उसको थोड़ा खिलाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा बहुत खा ले, बहुत ही कम खाती है। खाने में इसके बहुत नखरे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि कुछ भी दो एकदम से खा ले, बहुत ही कम खाना खाती है और बड़ी ही मुश्किल से। तो खाना खा लिया है, उसके बाद किचन में दोबारा से एंट्री हो गई है। देखिए कितने सारे बर्तन हैं, और मेरी सिंक काफ़ी छोटी है तो थोड़े से बर्तन से ही भर जाती है, तो बहुत ही आराम से बर्तन मांजने पड़ते हैं, एक एक करके साफ़ करो क्योंकि भर जाती है बिल्कुल। तो अभी जब तक ये बर्तन साफ़ नहीं होंगे तो पूरा रसोई पूरी गंदी रहेगी। तो पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी, पूरा गंदा हो जाता है, आप सबको पता ही है खाना बनाने में, तो बर्तनों का काम। तो अभी करूंगी किचन की क्लीनिंग। तो किचन साफ़ ना हो तब तक बिल्कुल लगता ही नहीं है कि काम हो गया है। तो किचन में सुबह का और जो खाना होता है उसके बाद भी ज़रूर साफ़ करती हूँ, और रात को भी मैं खाना बनाने के बाद साफ़ करके ही सोती हूँ, तभी बिल्कुल सफाई लगती है। और किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है तो ये काम तो मेरा पूरा हो गया है। अभी वैक्यूम तो मैंने पूरे घर में कर दिया है, तो यानी कि घर की क्लीनिंग तो लगभग हो ही गई है। अभी बाथरूम वगैरह रह रहे हैं, वो मुझे डेली ही मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, तो टाइम लगता है उसमें क्योंकि मुझे बाथरूम बिल्कुल क्लीन चाहिए, एकदम साफ़। और ये जो यहाँ पर बाथटब वगैरह है बाथरूम में, इसको भी साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है, वरना ये बिल्कुल गंदा हो जाता है। तो डेली पूरे अच्छे से मैं डीप क्लीन करती हूँ, डेली बिल्कुल चमचमाता रहता है। तो सबसे पहले मैंने बाल्टी और मग्घा साफ़ कर लिए, उसके बाद मैं ये सारा जो टाइल्स वगैरह हैं, पूरा ये टब वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ करके इसको सुखा देती हूँ अच्छे से। अगर थोड़ा बहुत भी पानी रह जाता है तो वहीं पर वो गंदगी फैल जाती है और अच्छा नहीं लगता। जब हम इसको अच्छे से धोने के बाद सुखा देते हैं किसी भी कपड़े से, तभी अच्छे से चमक आती है और हमारा बाथरूम बिल्कुल क्लीन रहता है। तो एक मैंने कपड़ा बना रखा है जिससे मैं डेली अच्छे से पोंछ के साफ़ कर देती हूँ, ताकि कहीं भी पानी ना रहे। जो भी टैब वगैरह है वो भी अच्छे से बिल्कुल सूख जानी चाहिए, तभी उन पर चमक आती है अच्छे से। तो पूरा मैं क्लीन कर दूँगी सब सामान हटा के। फ्लोर भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और मैंने दोनों बाथरूम इसी तरह से साफ कर दिए हैं। तो सब कुछ ये भी बिल्कुल चमक गया है, ये सफाई भी हो गई है बाथरूम वगैरह की। और वॉश बेसन हो या फिर मेरा दूसरा बाथरूम, डेली मैं ऐसे ही साफ करती हूँ। उसके बाद अभी ये कपड़े मैं मशीन में लगा दूंगी, और जो मेरा ये काम रहता है दोपहर तक का वो लगभग हो गया है। कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद ये कपड़े सुखा दूंगी बस, उसके बाद फिर भी काम चलता ही रहेगा। थोड़ी बहुत प्रेस करनी है, कपड़ों की तह बनानी है, फिर चाय वगैरह का टाइम हो जाएगा। तो पूरे दिन काम तो चलता ही रहता है, और उसके अलावा अपना यूट्यूब का काम भी रहता ही है। तो दोस्तों बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। दोस्तों अभी मेरा जो सुबह से दोपहर तक का काम रहता है वो सब हो गया है, और आज अभी 3 बज गए हैं। वैसे ही काम 12-1 बजे तक हो जाता है, क्योंकि आज छुट्टी थी और छुट्टी में सब चीज़ लेट होती है, लेट उठना, लेट खाना, लेट नहाना, तो इस वजह से सब चीज़ लेट ही होती है, तो लेट ही काम हो जाता है। कल से फिर वो मंडे, और फिर से सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम, स्कूल, ऑफिस सब शुरू हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखें।